हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करें क्लास टेंथ के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के मातृभाषा हिंदी का, और मैं आपको यहां से सारा क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसका एग्जामिनेशन आपके 27 जुलाई को होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके संबंधित उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ध का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ध का अगर उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो ये होता है आपका तालु। नेक्स्ट है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब वह क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त ध्वनि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 9+1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका सही आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हितैषी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है। योजक मतलब जिसमें घटाव वाला चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होगा आपका योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। तो अक्टूबर शब्द अगर बात किया जाए तो एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे तो ये है, सुख शब्द कौन सा लिंग होता है। तो सुख होता है पुलिंग। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा, तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक का उदाहरण। नेक्स्ट है, भिक्षा शब्द है। तो भिक्षा अगर बात किया जाए तो भिक्षा जो होता है वो होता है तत्सम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाघिन। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उदय शब्द का अगर हम लोग बात किया जाए तो उदित होता है। यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए उदय शब्द का विशेषण उदित। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पानी जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वो क्या है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो ये हो जाएगा आपका पीत जोर अंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संयोग शब्द का विलोम क्या होता है। तो संयोग का वियोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे उतर रहा है इसलिए आपादान कारक का ये उदाहरण होगा। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आपका, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप यहाँ पे आपको आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूरभंज उड़ीसा में। अगला सवाल है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा था। तो ये हो जाएगा आपका नजम्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे तो ये क्या कहता है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, या पंक्ति किस कविता किस कहानी की है। तो ये हो जाएगा आपका ढाते विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी में निगरानी कर रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका दलेई बांध की। आप लोग को बताते चले कि ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ओरिजिनल प्रश्न ये नहीं है। अगला है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। तो यहाँ पे आपको मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है, तो गौशाला की। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है। तो संविधान सभा का निर्माता हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। अगला है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य कहाँ कहीं अधिक विशाल है। तो रोम, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो ये होगा संस्कृत भाषा का साहित्य। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो मनुष्य, तो इसका हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजता वृद्धि का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पे, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी विविध बोलियाँ देवनागरी और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो ये होगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा का है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला हम लोग देखेंगे तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो ये हो जाएगा आपका किस दिन आए थे, तो ये आए थे आपके मंगलवार के दिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय गतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1949 से लेकर के 1953 तक। अगला हम लोग देखेंगे तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस का है, किस पाठ का है, तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा और संस्कृति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था हरिहर लाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब उसमें राम नाम ना हो, यानी राम नाम के बिना। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कबीर असखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुगल राजवंश में। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिया लागियो मन पावन चिच्चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारी नींद। अगला हम लोग देखेंगे तो घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सवैया और घनाक्षरी। अगला हम लोग देखेंगे तो विरह लीला किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम घन की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहित है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रेम घन सर्वस्व। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो ये होगा अज्ञेय की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत्र को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया था, तो इसका हो जाएगा आपका हो जाएगा अध्यात्मवाद की ओर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है, तो यह जनतंत्र का जन्म से है। अगला है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ये हो जाएगा उड़ीसा के। अगला हम लोग देखेंगे धरती कब घूमेगी कैसी कहानी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे अगले दिन सीता ने क्या किया, तो इसका हो जाएगा आपका घर छोड़ दी और भाग गई वहाँ से। अगला है पाप पाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेज बुखार के कारण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मंगू कब से पागल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जन्म से ही वो पागल है। अगला है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, तो ये हो जाएगा कमरे में बंद करके। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मंगू के अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो डॉक्टर से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो ये है आपका लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, तो ये हो जाएगा आपका रसोई में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस मलाई भेजी है क्या, या किसने कहा था, तो ये हो जाएगा नारायण की पत्नी भवरी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट है आपका यहाँ पे है वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर के मदुरे जाने को कहा था, तो ये हो जाएगा आपके गांव के। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको इसको लाइक कर देना है और दोस्तों में शेयर कर दें। आप लोगों के लिए जैसे ओरिजिनल प्रश्न पत्र आता है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।